नमस्कार दोस्तों, रूरलिज्म में आपका स्वागत है। जिला अलीगढ़ के घंगीरी ब्लॉक में एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग की शादी का जबरन मानसिक युवक से कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बालिका के ममेरे भाई ने 4 नवंबर को ब्लॉक के ही उनके जबरन शादी कराई थी। शादी की रात युवक के पिता पर बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। बालिका की मां ने बताया है कि इस मामले में थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कर चुकी है, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मंगलवार को उन्होंने एसएसपी से मामले की शिकायत की। बालिका की मां ने बताया है कि आगरा में भाई रहता है। 7 नवंबर को उसका भाई का बेटा और उसका दोस्त गांव आए और मेरी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ सरदा के गांव ले गए। वहां उसे एक घर में बंद कर दिया। उसके बाद यह दोबारा गांव आए और मुझे भी जान से मारने की धमकी देकर मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठा कर ले गए। दोनों माँ और बेटियों को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर एक मानसिक विक्षिप्त युवक से बेटी की शादी करा दी। शादी की रात युवक के पिता ने बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। सुबह जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागी और अपनी बहन की मदद से इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस में शिकायत मिलने के कितने दिन बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में एसएसपी से शिकायत की तो उन्होंने भी जांच के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? अफसाना। क्या हो गया था जी? मेरी बहन की लड़की को मेरा भतीजा लेकर चला गया। धोखे से कहने लगा कि तेरी अम्मी बुला रही है और चल मेरे साथ। जी चली आई उसके साथ कि मेरा मामा का लड़का, विश्वास करके चली आई कि अम्मी बुलाई चली जाऊँ। तो इसे ना बेहोश कर दिया पता ना कैसे। तो तेरा मुड़ पर तो उतारा नहीं, बाई कलर लेके पहुँच गया। बाई कलर लेके ऐसे मेरी बहन की लड़की को पहुँच गया, ऐसे भी कमरे में बंद कर आया, फिर मेरी बहन को लेगा। ऐसे झूठ बोल के तेरी लौंडिया का एक्सीडेंट होगा, झूठ बोल के लेगा। तो मेरी बहन भी चली गई उसके साथ साथ, चली गई। मेरी बहन को भी ताले में बंद रखा, फिर बहन को ताले में बंद कर दिया और लौंडिया को मतलब निकाह के लिए उसे बुक सहमत करा कि निकाह करेगी कि नहीं करेगी। तो लौंडिया ने मना करा कि मैं नहीं राजी, तुम्हारा लड़का पागल है, सही नहीं है। तो मेरी बहन को ताले में बंद करके और कहने लगे तेरी अम्मी को खून कर देंगे, मार देंगे अगर तू ऐसा ही नहीं बोलेगी कि निकाह करूँगी। तो ये डर के मारे चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। फिर इसके मेहंदी लगाने लगे तो कह रहे मेहंदी जो जंगा चोटी करने लगी, मैं मेहंदी नहीं लगवा रही। तो कहने लगे तेरी अम्मी को ताले, ऐसे फिर मेरी बहन को ताले बंद कर दिया। तो कहने लगे काग मैं अब जो ऐसे जब भी ताला खुलेगा, जब भी जिंदा बचेगी, जब तू मेहंदी सहमत लगवा लेगी, कह हमारे लिए जाने का खतरा ना हो सके इस चक्कर में। तो चुपचाप बैठी रही, मेहंदी भी लगवा ली, इसने कुछ नहीं करा। फिर रात के 10 बजे जबरदस्ती निकाह कर लिया। कितने तारीख की घटना? 4 तारीख को, 4 की रात को। ये कौन से गांव, कौन से गांव से उठा के ले गया? भद्रोही से उठा के ले गया। भद्रोही से उठा के बाई ले गए थे जी, बाई ले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ताले में बंद रखा और इसके फिर जब रात हो गई, निकाह हो गया, फिर उसका तो पूरा तारीख को निकाह कर दिया। निकाह कर दिया उसे रात के 10 बजे। और हाँ, और इसे मतलब बदतमीजी करने की झंगा झोटी भी करी। लौंडा पागल है, ससुर ने झंगा झोटी करी इससे। ससुर ने बदतमीजी करी जी, बदतमीजी करा इससे के मतलब तेरी अम्मा ताले में बंद है और देख लेना फिर तू क्या करेगी। फिर ऐसे मारे ये डर गई थी उससे, ऐसा हुआ इसके साथ में। तो फिर लड़की आपको कहाँ से बरामद हुई? ससुर की, ससुर ने ही मतलब, ससुर ने हाँ जबरदस्ती करने। ससुर का नाम है चुनमन। निकाह किसने किया था जबरदस्ती? निकाह अपने लड़के के साथ करा उसने। लड़के का नाम है नहीम जी। ये दोनों बाई के, बाई के रहने वाले, बाई के रहने वाले हैं। छर्रे में इनकी चूड़ी की दुकान है। अच्छा जी। उसके बाद में क्या हुआ, कैसे लड़की आ गई आपके पास? लड़की हमारे पास, हमारी बहन सुबह ही 5 बजे करीब उन्होंने खोला ताला अचानक, क्या मतलब 30 वैसे ही खोल दिया। तो हमारी बहन निकल के भागी वहाँ से। तो हमारी एक भतीजी रहती है छर्रे में ऐसे ही, तो उनके घर पर चली गई वो एकदम दौड़ मार के। नहीं जल्दी जल्दी जाके फिर वहाँ से फ़ोन करवाया, मेरे पास फ़ोन करवाया कि मैं अपनी बहन को बुला लूँ। तब मुझे पता लगी कि मेरी बहन के संग में ऐसा घटना हो गई है। मैं अपने हस्बैंड को लेके फिर आई छर्रे। तो जब पुलिस की मदद लेके फिर लड़की को निकाल के लेके आए। लड़की को कितनी तारीख को निकाला? लड़की को 5 तारीख को निकाला। उसके बाद आप क्या चाहते जी? उसके बाद क्या किया आपने? क्या किया कुछ नहीं, जैसे यहाँ से पुलिस की मदद से निकाल के ले गए लड़की को, घर पर लेके चले गए फिर हम। और मतलब इनसे पुलिस वालों से कही, पता नहीं इनने सुनवाई करी कि नहीं करी हमने, मतलब आपकी तरी नहीं दे रही। हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? अफसाना। क्या बात है थाने? ये इस पुलिस में इसमें आए ना चौकी पे, ये वाली जो छोड़ाई पे घंगीरी, इन पे आए और इन्होंने 5,000 रुपये मांगे थे। हमने कहा सर हम बहुत गरीब लोग हैं, तो 500 बहुत मुश्किल से 500 रुपये में मान भी गए और ले भी लिए। अब कहा मैं जो
वो भी गड्ढे में डाल दी, वो सुनवाई नहीं कर रहे कुछ भी। 500 रुपए किस बात के लिए थे? तेरी लिए इसी के लिखने के ही लिए, उन्होंने लिए। दरोगा जी कौन से वहाँ पर कल आज अभी चले गए कहीं पर भी? यहाँ पे जो बैठते हैं रिसेप्शन जी, यहाँ पे नहीं। उन्होंने 500 रुपए लिए, 1000 रुपए मांग रहे। हमने बहुत रिक्वेस्ट, मतलब एप्लीकेशन लेने के 1000 रुपए मांगे थे जी, आपसे मांगे थे जी, हमसे मांगे थे। तो हमने फिर 500 रुपए दिए। बहुत मैंने कि हमारी बहन बहुत पूरी बोलती है, गरीब नहीं है बहुत। मेरे भाई रिक्शा चलाते हैं और बहुत गरीब लोग हैं हम लोग, इस बार पैसे कहाँ से आएंगे 500 रुपए में? आपने 500 रुपए दिए, उनको पहचान लोगी? पहचान लूंगी। अभी आपने तहरी क्या कह रहे हैं, तहरी दे रहे हैं अभी आप? दिए थी लेकिन ये भी ले नहीं, ले रहे नहीं है अभी। ये वाली तहरी भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे, ये भी तहरी नहीं ले रहे आप? नहीं ले रहे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये पता नहीं दिल्ली ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि ऐसे भी पता नहीं कहीं डाल दो, ले जाओ कहीं फेंक दो, कहीं कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजुम। क्या हुआ था अंजुम जी? मेरे मामा के लड़के घर से मुझे झूठ बोल के ले गए थे। कौन था मामा के लड़का का नाम मालूम है? शाहरुख। कहाँ रहते हैं ये? आगरे। आप कहाँ रहती हैं? हम भद्रोही जी। आगे क्या हुआ था? आगे हमें झूठ बोल के ले गए थे, नो कह रहे थे कि चल अंजुम तेरी नानी बुला रही है, तुझे सोई ले गए हमें झूठ बोल के। कौन सी जगह ले गए थे? बाई। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पर निकाह करा दिया जबरदस्ती। किसके साथ निकाह करा दिया था आपको? नहीं। नहीं के साथ? कहाँ रहते हैं वो? वो बाई। उनके पास फोटो वगैरह आपके? फोटो वगैरह उन्होंने निकाह कराया तो फोटो वगैरह होंगे, उन्होंने फोटो वगैरह तो कराए होंगे ना? जी पता नहीं लेकिन। तो आपकी बिना मर्जी के निकाह हुआ है? हाँ जी, मेरी बिना मर्जी के निकाह हुआ था। कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी अभी 13 साल। डेट ऑफ बर्थ कितनी है आपकी? डेट मस्त लगभग 13 साल की उम्र है आपकी। हाँ। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर जबरदस्ती निकाह कराया था और फिर मेरी। आप उनके चुंगल से कैसे निकल के आए? हमारे मम्मी पापा कहे थे जब जब निकाल के लाई